हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे, आप लोगों के स्पीड ऑफ वेलोसिटी कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, और वेलोसिटी के टाइप्स भी हो चुके थे, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो एक्सेलरेशन स्टार्ट कर चुके थे हम लोग लास्ट वीडियो में भी, और एक्सेलरेशन के बारे में भी मैं आज के इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा उसकी, ठीक है। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं एक्सेलरेशन की। टॉपिक है, ठीक है, एक्सेलरेशन, बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, यदि एवरेज देखा जाए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पर। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का या पार्टिकल का आप एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, किसी भी बॉडी या पार्टिकल का, ठीक है, एक्सेलरेशन आप लोग निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी में जो चेंज है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, रेशियो होगा। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है, इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन शो करते हैं ए से। तो वेलोसिटी क्या होगा, देख लीजिएगा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, समझे आप, कैसे, ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी एफ बी, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी आई वी अपॉन टाइम टी। डेट्स क्लियर, नहीं हुआ समझ में नहीं आया, एफ बी फाइनल वेलोसिटी, सपोज किसी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई लड़का है, ठीक है, ये चल रहा है, इसकी वेलोसिटी है, ये ईस्ट से चल रहा है और ये जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, आया समझ में, कहां जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लेट्स क्लियर, तो क्या होगा, डायरेक्शन फिक्स हो गई, ठीक है, इनिशियल थी इसकी जीरो से स्टार्ट हुआ 10, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और लास्ट में रुका ये 40 किलोमीटर पर आवर, आया समझ में, यानी कि 10 से और कहां हो गया 40 तक हो गया ये, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, ये रही इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है, 40, ठीक है, एक्सेलरेशन शो कर देंगे, और टाइम क्या हो जाएगा, पर आवर, ये रहा पर आवर, ठीक है, दोनों में ही पर आवर है, देख लीजिए, ठीक है, और ये दोनों ही पर आवर क्या हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा। डेट्स क्लियर, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 40 किलोमीटर, और टाइम हो जाएगा पर आवर, यानी कि 1 घंटे, यानी कि 1 आवर। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकालोगे तो 40 माइनस 10 अपॉन 1, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्या आ गया उसका, 30 किलोमीटर पर आवर उसका एक्सेलरेशन आ गया। डेट्स क्लियर, चले आगे, चलिए जी, यही आप लोगों को लिखवाऊंगा, लास्ट वीडियो में आप लोग लिख भी चुके थे, ठीक है, और एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है, लास्ट लाइन आप लोगों को बता दूं आप लोगों ने क्या लिखी होगी, जनरली मैंने रिपीट कर देता हूं, जनरली जीई, एक बार रिपीट भी कर देता हूं, चलो लिखिएगा, जनरली जीई एन ई आर ए डबल एल वाई, ये लिखा होगा आपने जनरली, ठीक है, जो बॉडीज होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करती है, जनरली बॉडीज बी ओ डी आई एस बॉडीज, ठीक है, डू नॉट मूव एम ओ वी, ठीक है, जनरली बॉडीज डू नॉट मूव, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म, ठीक है, वेलोसिटी। डेट्स क्लियर, ये पता ही है, इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जरूर नहीं है कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म से, मतलब 10 से चले तो लास्ट तक भी 10 से ही चलता रहे, डेट्स नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये मतलब क्या है, डेफिनेट नहीं है कि 10 से, हो सकता है फ्लक्चुएशन हो, पहले 10, ठीक है, 5, 25, ठीक है, 20, फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है, मे बी फ्लक्चुएशन हो सकता है, कांस्टेंट का तो कोई बात ही नहीं हो रही, ठीक है। चलिए जी, वेलोसिटी के बाद आप लोग फुल स्टॉप लगा दीजिए, आगे लिखिए, दियर वेलोसिटी कैन चेंज,
आगे लिखिएगा फ्लुइस्टिक क्लास दे आर, टी एच ए आर, दे आर वेलोसिटी, ठीक है, कैन चेंज, सी एच ए एन जी, ठीक है, क्या लिखा, दे आर वेलोसिटी कैन चेंज, ठीक है, ड्यू टू किसके कारण चेंज हो जाती है, आगे लिखिएगा दे आर वेलोसिटी कैन चेंज, उनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है जब उनकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो या किसी एक में चेंज हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जनरली बॉडीज डू नॉट मूव, ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे राहुल सर ने लिखवाया दे आर वेलोसिटी, जरूरी नहीं है उनकी वेलोसिटी, तो आगे लिखेगा दे आर वेलोसिटी कैन चेंज ड्यू टू, ठीक है, ए चेंज, आगे लिखेगा ए, ठीक है, ड्यू टू ए चेंज, सी एच ए एन जी, ठीक है, जो चेंज हो रहा है वो या तो किसमें हो, आइदर इन देयर स्पीड, ठीक है, लिखेगा ई आई टी एच ई आर, आइदर इन देयर, टी एच ई आई आर, देयर स्पीड, एस पी डबल ई डी, या तो उसकी स्पीड में चेंज हो या उसकी डायरेक्शन में चेंज हो, स्पीड और डायरेक्शन दोनों में भी चेंज हो सकते हैं, स्पीड और, ठीक है, इन देयर, टी एच ई आर, इन देयर डायरेक्शन, ठीक है, डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात। तो देखिएगा, तो या तो स्पीड में चेंजेस हो सकते हैं, मैंने यहां पर इसलिए लिखा है, समझेगा आप, या तो स्पीड में चेंज हो या फिर डायरेक्शन में चेंज हो, या फिर एक चीज और लिखवा रहा हूं, दोनों में ही चेंज हो सकते हैं, ठीक है, स्पीड डायरेक्शन और बोथ, ठीक है, ये मैंने यहां तक, और आगे लिखवा देता हूं आप लोगों को, वेन एवर देयर वेलोसिटी चेंजिंग, लिखेगा वेन एवर, ई वी आर, वेन एवर देयर, टी एच ई आर, देयर वेलोसिटी, वी ई एल ओ सी आई टी वाई, ठीक है, वेन एवर देयर वेलोसिटी, ठीक है, इज चेंजिंग, सी एच ए एन जी आई एन जी, ये मैंने लिखवा दिया था लास्ट वीडियो में, वेन देयर वेलोसिटी चेंजिंग, ठीक है, दे आर सेड बी, कॉमा लगा के लिखे, दे आर, ठीक है, सेड, एस ए आई डी, सेड टू बी, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, क्या लिखेगा, दे आर सेड टू बी, मैंने लिखा दे आर सेड टू बी एक्सेलरेटेड, इसलिए उन्हें बोला जाएगा एक्सेलरेटेड, यानी कि वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेटेड, समझ गए, वो एक्सेलरेट हो जाएंगी वो बॉडीज, ठीक है, या ऑब्जेक्ट। अब आप इन्वर्टेड कॉमा लगाइएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा के स्टार्ट कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें, ठीक है, कर दिया इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लिखिएगा द एक्सेलरेशन, अब मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, द एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन, ए डबल सी एल ई आर ए टी आई, द एक्सेलरेशन किसका, ऑफ ए पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी का, ऑफ आ बॉडी, ठीक है, इज डिफाइन, डी ई एफ आई एन ई डी, ठीक है, किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कैसे डिफाइन किया जाता है, एज द रेशियो, मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, एज द रेशियो, आर ए टी आई ओ, ठीक है, एज द रेशियो, किसका रेशियो, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम जो लिया गया है, ठीक है, किसका, जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है और जो टाइम लिया गया है, इन दोनों का रेशियो, तो आगे देखिए, रेशियो ऑफ, ठीक है, द चेंज, सी एच ए एन जी ई, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, क्या हो गया, एक तो रेशियो हो गया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, आगे लिखे टू द, ठीक है, टाइम, टी आई एम ई, टाइम टेकन, टी ए के ई एन, ठीक है, जो टाइम लिया गया, टू द टाइम टेकन, ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग, पी आर ओ डी यू सी आई एन जी, ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग, पी आर ओ डी यू सी आई एन जी, ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग डेट चेंज, आगे लिखिएगा डेट चेंज, सी एच ए एन जी, फुल स्टॉप, डेट्स क्लियर। तो क्या होगी डेफिनेशन, द एक्सेलरेशन अंडरलाइन भी कर देते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ आ बॉडी, ठीक है, इज डिफाइंड, डिफाइन की जाती है रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, टू द टाइम टेकन इन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, डेट चेंज, फुल स्टॉप, ठीक है, क्लियर होता है। आगे देखिएगा आप क्या लिखवाना चाह रहे हैं राहुल सर, यहां तक क्लियर होता है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा तो कर देते हैं हम लोग क्लोज, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखे थस, ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अब आपको इक्वेशन लिख के बताऊंगा मैं, ठीक है, थस, टी एच यू एस लिख दिया, नेक्स्ट लाइन में थस, फॉर्मूला लिखे एक्सेलरेशन, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई यू, ठीक है, एक्सेलरेशन, क्लियर है, इक्वस टू चेंज इन, ठीक है, वेलोसिटी, वी ई एल ओ सी आई टी वाई, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, क्या लिखोगे, किसका रेशियो था, टाइम टेकन, ठीक है,
टाइम टेकन। क्लियर है? टाइम टेकन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चलें आगे, फॉर्मूला फॉर्मूला लिखें, ए इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये वी है और ये यू है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। इसे कर देते हैं हम बॉक्स में, वन स्टार लगा दिया। ठीक है, चलें आगे, आगे चलिए भी। ठीक है, इसके आगे लिख दीजिए और। ठीक है, नीचे लिखिए सिंस, SINC। ठीक है, सिंस, और सिंस लगा के कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए राहुल सर क्या बताना चाह रहे हैं, सिंस, ठीक है, जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो प्रेजेंट में जो बॉडी का एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो क्या होगा, उस बॉडी चेंज की वेलोसिटी होगी। मतलब जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी में चेंजेज होगी तो क्या चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंजेस होगा। ठीक है, आया समझ में? और एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो लिखिएगा सिंस द एक्सेलरेशन, ठीक है, द एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ अ बॉडी। आया समझ में? किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, RePRESENTS। ठीक है, किसी भी बॉडी का यदि आप एक्सेलरेशन निकालो या किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन आप लोगों को दे रखा हो तो वो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस बॉडी में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसकी रेट में कितना चेंजेस हुआ है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है उस बॉडी का एक्सेलरेशन। अगेन आई रिपीट कि एक्सेलरेशन क्या शो करता है, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि वो जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी की रेट में कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है, द आगे लिखें रेट, RAT। ठीक है, बॉडी रिप्रेजेंट, ठीक है, जो हिंदी में बोला था उसे ही मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं। ठीक है, द रेट एट विच द वेलोसिटी, ठीक है, लिखे एट विच द वेलोसिटी, दैट्स क्लियर, एट विज द वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ आ बॉडी चेंज, लिखेगा ऑफ आ बॉडी चेंज, CHANG, फुल स्टॉप। तो क्या लिखवाया, सिंस द एक्सेलरेशन ऑफ आ बॉडी रिप्रेजेंट द रेट एट विज द वेलोसिटी ऑफ आ बॉडी चेंज, फुल स्टॉप। नीचे लिखिएगा हेडिंग लिख करके यूनिट, UNIT। अब यूनिट हो गई, ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, लिखिएगा आगे द यूनिट, ठीक है, ऑफ एक्सेलरेशन, लिखिएगा द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ACCELERATE, ठीक है, एज, ठीक है, या ऐसा यूनिट लिखवाऊंगा मैं, ठीक है, तो आप आगे लिखिएगा इन SI सिस्टम, SI सिस्टम, ठीक है, तो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन SI सिस्टम एज क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, डेट्स क्लियर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, मी शॉर्ट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फुल स्टॉप। आया समझ में? द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन SI सिस्टम इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो लॉन्ग में लिखा दिया, वो शॉर्ट में लिखा दिया। नीचे चलें, ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके यूनिट ऑफ, ठीक है, आपको पता नहीं है कि एक्सेलरेशन की यूनिट कहां से आई, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल करके आप लोगों को बता रहा हूं। ये जो यूनिट है मैं इसी फॉर्मूले का यूज करके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लोगों को निकाल करके बताऊंगा। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, इक्वल्स टू क्या करोगे, सबसे पहले क्या है, वेलोसिटी है, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट रख देंगे, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, डेट्स क्लियर। ऊपर वेलोसिटी की यूनिट रख दीजिए आप, क्या होती है वेलोसिटी की, मैं पढ़ा चुका हूं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर, ठीक है, पर सेकेंड, क्लियर है, अपॉन नीचे टाइम की यूनिट सेकेंड, डेट्स क्लियर। अब सेकेंड इंटू सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, तो मीटर अपॉन क्या रह गया, सेकेंड इंटू सेकेंड, क्लियर है, ऊपर रह गया मीटर, ठीक है, देख लीजिए मीटर अपॉन सेकेंड,
अपॉन सेकेंड, इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, और इसे क्या लिखा सकता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। डेट्स क्लियर, ये हो गया आप लोगों के मीटर पर सेकेंड। तो देख लीजिए, मीटर पर मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, मेन पॉइंट पर आ जाइए इफ। ठीक है, यहां पर लगाइए एरो का साइन, ठीक है, यहां लगाइए एरो का आप साइन, लगा दिया, लिखिएगा इफ। ठीक है, यदि क्या दे रखा हो इफ, ठीक है, देख लीजिएगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब मैं आप लोगों को इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का मीन समझाता हूं, ठीक है, लगाइए इस, ये लिख लिया फॉर्मूला, इसके बाद दो लाइन का गैप दे दीजिए ना, ठीक है, इसके बाद दो लाइन का गैप देने के बाद नीचे लिखिएगा एरो का साइन, फिर लिखिए इफ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, एट टाइम, ठीक है, किसी, अब मैं आपको फॉर्मूले, नए नए फॉर्मूले और उनका जो मीन है वो आप लोगों को बता रहा हूं। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम, ठीक है, यानी कि टी माइनस जीरो, ठीक है, टी माइनस क्या लिख दिया आप लोगों ने, जीरो, इक्वल टू क्या लिखा, टी माइनस जीरो लिख दिया, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, यू वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू इनिशियल आई एन आई, ठीक है, आई एन आई टी आई एल, इनिशियल वेलोसिटी। दैट्स क्लियर, तो देखिए इफ वेलोसिटी, किसी बॉडी की वेलोसिटी उस टाइम पर टी माइनस जीरो टाइम पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वेक्टर, यानी कि क्या हो जाएगा, टी माइनस जीरो नहीं है, इक्वल टू एक सेकेंड, एक सेकेंड ब्रैकेट लगाएं बड़ा वाला, ठीक है, और इसमें लिखे आप, चलो छोटा ही लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, ठीक है, यह है टी इक्वल टू जीरो टाइम, ठीक है, टाइम है टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, यू वेक्टर हो गया। अब सेकंड केस में आ जाओ इफ, ठीक है, सेकंड केस में आ जाओ इफ, ठीक है, आपको वेलोसिटी जो बॉडी की है वो दे दे टाइम टी, ठीक है, इफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेम है बॉडी, ठीक है, एट, पहले तो था बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो टी इक्वल टू जीरो टाइम पर थी, अब उसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, एट टाइम, अब टाइम टी ले रहा हूं मैं, ठीक है, एट टाइम ब्रैकेट में ले लिया मैंने टी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी। डेट्स क्लियर, तो देख लीजिएगा, पहले में टी इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड वाले में टी, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब आ जाइए फॉर्मूला मैं लिखवाने जा रहा हूं, ऊपर मैं रफ कर देता हूं, फिर आप लोगों को ऊपर बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, यू वेक्टर और बी वेक्टर आ गए। अब आपको ऊपर चलते हैं और मैं आप लोगों को लिखाऊंगा, आप चेंज इन लगाइए डॉट्स, ठीक है, चूंकि, ठीक है, लिखिएगा चेंज सी एच एन जी, हेडिंग नहीं है ग्रीन से, इसका मतलब हेडिंग नहीं है, ठीक है, मैं हेडिंग होगी तो बोल दूंगा, चेंज इन वेलोसिटी, अब लिखे चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी, डेट्स गुड, लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी, इक्वस टू क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी इक्वस टू, अब आप फॉर्मूला लिखें, इसमें लिखे फाइनल वेलोसिटी, क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डेट्स गुड, ठीक है, तो आपने क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बराबर, ठीक है, आपने लिखा चेंज इन वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, बी वेक्टर, ठीक है, माइनस यू वेक्टर, हो गया इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, डैश गुड, ठीक है, अब चेंज इन टाइम, अब आ जाओ चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस जीरो, ठीक है, चेंज इन टाइम इक्वल टू टी माइनस जीरो इक्वल टू टी, डैट्स गुड, चलें आगे, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया, चेंज इन टाइम हो गया, ठीक है, अब आप लिखे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इसलिए, ठीक है, इसलिए अब आप लिखे एक्सेलरेशन, आपने भी लगा ही दिया, इसलिए अब लिखे एक्सेलरेशन, ए डबल सी एल ई आर ए टी आई एन, एक्सेलरेशन किसका, ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इक्वल टू, आपको फॉर्मूला
पुट करना है इसमें, एक्सेलरेशन बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर तो लिखें चेंज ठीक है इन वेलोसिटी, डेट्स गुड ठीक है बहुत अच्छे, अपॉन नीचे लिखें चेंज इन टाइम, ठीक है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो गया, डेट्स गुड ठीक है। फॉर्मूला रख दें आप, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी, डेट्स गुड, इसको कर दें आप ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है बहुत अच्छी बात, इसको कर दें ब्रैकेट में क्लोज, हो चुका है बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गया, अभी तो इसमें थोड़ा बहुत और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बाकी है अभी ठीक है। इसके बाद लिखें स्टार लगा करके, स्टार लगा करके लिखें ठीक है, लिखें आप लोग व्हेन, क्या लिखोगे व्हेन ठीक है, वेलोसिटी आगे लिखें व्हेन वेलोसिटी ठीक है ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, ठीक है ऑफ बॉडी डज नॉट ठीक है चेंज, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का यदि वेलोसिटी डज नॉट, ये मैंने लिखा है आप लोगों के लिए डज डी ओ एस ठीक है, यदि किसी बॉडी की जो वेलोसिटी यदि चेंज नहीं होती है ठीक है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी के ठीक है। तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज ठीक है देन इनिशियल वेलोसिटी आगे लिखे देन THN, initial, INITIAL, initial velocity, ठीक है, initial velocity is, ठीक है, आगे लिखेगा equal, equal to the, ठीक है, final velocity, is that clear? तो when velocity of body, ठीक है, velocity of body does not change, then initial velocity is equal to the final velocity, ठीक है and then आगे लिखें and then, और क्या होगा, क्या कर सकते हो आप, and then आगे लिखिएगा b vector, ठीक है and then एक second, b vector ठीक है equals to क्या हो जाएगा u vector, ठीक है clear है। तो देख लीजिएगा क्या लिखवाया, when velocity of body does not change the in then does not change change नहीं होती then initial velocity is equal to the final velocity and then b vector equals to u vector, ये तो आप लोगों के final हो गया ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए जी आगे, in this case, इस case की बात करें ठीक है, arrow का sign लगाओ, लिखो आगे ठीक है, क्या लिखोगे, लिखते जाइए मैं लिखवा रहा हूं, in this case ठीक है acceleration will be zero ठीक है, इस केस में, इन दिस केस जो अभी केस लिखवाया था, इन दिस केस ठीक है कॉमा एक्सेलरेशन ए डबल सी एल ई आर ए टी एन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बिल बी जीरो ठीक है, एक्सेलरेशन बिल बी जीरो क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, कैसे जीरो कैसे हो जाएगा, ए इक्व टू क्या हो जाएगा बी माइनस यू अपॉन टी ठीक है हो गया, अब यू इक्व टू बी हो गया ठीक है, क्योंकि आपने क्या लिखवाया अभी पढ़ाई है हमने ठीक है, u वेक्टर पढ़ा है ना, ये आप लोगों ने पढ़ाई है ठीक है, अभी मैंने जस्ट ऊपर लिखवाया था b वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर लिखवाया था, यस या नो, यस या नो लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, लिखवाया था b वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर, आ जाइए वो ही यहां पुट करेंगे b वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर, अब देख लीजिए क्या हो रहा है आपके सामने की बात है, देख लीजिए b वेक्टर माइनस b वेक्टर अपॉन t इक्वल टू जीरो अपॉन t, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, आया कि नहीं आया ठीक है, आया कि नहीं आया, a इक्वल टू जीरो ठीक है, यानी कि a वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया जीरो ठीक है, आया या नहीं आया ठीक है, इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में बंद ठीक है, आया चलिए जी आगे, ए वेक्टर इक्वल टू जीरो आ गया, यही चीज तो मैं बता रहा था, अब आ जाइए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगली हेडिंग डालेंगे ऊपर, रफ कर देता हूं मैं, ये कंप्लीट तो हो ही चुका है, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने ठीक है, बहुत अच्छी बात ठीक है, ये आप लोग नोट कर ही चुके हैं ठीक है, आगे हेडिंग डालें ऊपर ही ऊपर पॉजिटिव, मैं इसको रफ कर रहा हूं ठीक है, लिखे पॉजिटिव एक्सेलरेशन ठीक है, हेडिंग लिखिए आप पॉजिटिव, पी ओ एस आई लिखिएगा, पी ओ
एस आई टी आई वी पॉजिटिव एक्सिलरेशन, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई यू एन, ठीक है। अब एक्सिलरेशन पॉजिटिव केस में क्या होगा, ठीक है, हेडिंग डालिए पॉजिटिव, पी ओ एस आई टी आई वी पॉजिटिव एक्सिलरेशन। कि पॉजिटिव एक्सिलरेशन क्या होता है आप लोगों को बता दूं मैं, कि जब वेलोसिटी किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है टाइम के साथ साथ, ठीक है, तो क्या होगा उस बॉडी का एक्सिलरेशन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सिलरेशन, ठीक है, क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सिलरेशन। और यदि डिक्रीज हो जाए तो उस केस में नेगेटिव एक्सिलरेशन पढ़ेंगे। फिर आपको मैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन पढ़ाऊंगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन पढ़ाऊंगा, तो आप लिखें इसमें जो अभी बोला था इफ, ठीक है, द लिखें, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इफ द वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, ठीक है, क्या होगा, इंक्रीजेस, आई एन सी आर ई ए एस ई एस, इफ क्या लिखवाया राहुल सर ने, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, किसके साथ साथ, विद टाइम, टाइम के साथ साथ, ठीक है, यानी कि बॉडी की जो वेलोसिटी है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा, देन द एक्सेलरेशन, ठीक है, देन द क्या लिखवाया राहुल सर ने, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, इंक्रीजेस, देन द एक्सेलरेशन, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई, देन द एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, डेट्स क्लियर, फुल स्टॉप, उसे बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आगे देखिए, ये क्या शो करता है कि फाइनल वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है, उस फाइनल वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी यानी कि बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन यू वेक्टर, तभी तो पॉजिटिव हुआ है। मतलब ए वेक्टर इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया बी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी, यही पढ़ाया था मैंने फॉर्मूला, आप देख लीजिए। अब मान लीजिए यू की वैल्यू दे दे 10 और बी की वैल्यू दे दे आपको 20, तो क्या रखोगे आप लोग, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 अपॉन टाइम दे दे आपको 2, तो 2, तो ए इक्वल टू 20 माइनस 10 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 यानी कि 5। तो यानी कि बी, यू की वैल्यू ज्यादा है या बी की वैल्यू ज्यादा है, तो बी की वैल्यू ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, ग्रेटर देन यू वेक्टर, तो वो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आया समझ में, यदि बी वेक्टर की वैल्यू ज्यादा है यू वेक्टर से तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यदि इस केस में यू इक्वल टू कर दे 20 और बी इक्वल टू, यू इक्वल टू कर दे आप लोगों के 30 और बी इक्वल टू कर दे आप लोगों के 50, वो बी इक्वल टू कर दे आप लोगों के 10 कर दे, U की वैल्यू 30, V की वैल्यू 10, तो उस केस में टाइम T दे दे आपको 2, तो क्या करोगे आप, B माइनस U यानी कि 10 माइनस 30 अपॉन 2 यानी कि A इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 20 अपॉन 2 यानी कि माइनस के 10। ये आया माइनस, ये माइनस किसको शो करता है, नेगेटिव, इस केस में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि नेगेटिव वाले केस में V की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, या V की वैल्यू कम है, तो V की वैल्यू कम है और U की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि U वेक्टर ग्रेटर देन हो गया V वेक्टर। आया समझ में, तो ये दो केस है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, आगे लिख दीजिएगा दिस शो, ठीक है, दिस शो, आज का वीडियो काफी लेंदी हो चुका है, दिस शो डेट, ठीक है, काफी लेंदी हो चुका है डेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग, ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है, इसे यहीं स्टॉप करते हैं और आगे से कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोगों को अभी नहीं नोट करना है, केवल यहां तक लिखना है मूविंग तक, ठीक है, कहां तक नोट करना, मूविंग तक, आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, थैंक यू, बाय बाय।